ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 2 जुलाई 1968। बच्चे यहाँ रहते हैं या घर में आते हैं? तो अपना घर समझ कर जहां देखो तकलीफ होती है तो माँ बाप को बतानी चाहिए, बाबा यह सहूलियत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो बाबा भी थैंक्स देंगे, राय अच्छी निकालनी है। और ये बच्चे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, पुरानी दुनिया का दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। बाबा रोज बच्चों को देखते हैं, ये बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हैं। क्योंकि यहां जो करोड़पति हैं वो तो गरीब होते जाएंगे। क्यों? दुनिया के करोड़पति अरबपति गरीब क्यों होते जाएंगे? हैं? क्योंकि सब धंधों में है नुकसान। अभी मकानों का दाम भी जास्ती हो गया है, कागज के नोट हैं और वो भी बैंकों में पड़े हैं। तो समझो उनकी मिल्कियत तो ठिकर भीतर है, वहां नई दुनिया में तो असल साहूकार होते हैं। मकान भी हीरे सोने से जड़ित होते और वहां तो सभी को सोने के ही होंगे, चांदी के भी नहीं। सचखंड में तुम पदमा पदमपति बनते हो। यहां तो मनुष्यों के कर्म विकर्म होते रहते हैं। क्यों? विकर्म इसलिए होते रहते हैं कि सब में देह बन भरा पड़ा है। कर्म विकर्म होते हैं तो पद भ्रष्ट होता रहता है। अभी तुम तो जानते हो हम विकर्माजीत बनते हैं। धन दौलत भी वहां सच्चा सॉलिड होगा, तो बाप समझाते हैं यहां की सारी मिल्कियत मिट्टी में मिल जाएगी, तो सब कुछ झूठ हो गया ना। तुम सच्चे बनते हो, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जो कुछ देखने में आता है वो कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ समुद्र खा लेगा। मौत भी अनायास ही होता है। ऐसी समंदर की उछाल आवेगी, बंबई को भी हप कर लेंगे।
दुनिया में तो कितने बड़े बड़े खंड हैं, वो सभी पानी में चले जाएंगे। बाकी निशानियां जाकर रहेंगी और तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों में ये ज्ञान होना चाहिए कि सिवाय हमारे भारत के और कोई भी खंड नहीं बचेगा। सो भी बहुत छोटा भारत खंड होगा, थोड़ी जगह लेते होंगे। फिर जाड़ वृद्धि को पाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमारा भारत छोटा होगा और वहां हम आदि सनातन धर्म वाले ही होंगे। और यह भी नहीं समझेंगे कि हम देवता धर्म के हैं। वो नाम तो बाद में शास्त्रों में पड़ता है। वहां तो तुम प्रैक्टिकल में होंगे। कहने या लिखने करने की बात ही नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किन्हें? लक्ष्मी नारायण का, जिनके चित्र मिलते हैं, जिनके शास्त्र मिलते हैं, या जो भी यादगारें मिलती हैं, वो सब संगम युग की यादगारें हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और ये है ऊंचे ऊंचे एम ऑब्जेक्ट। ये विश्व में शांति का राज्य है जो हम स्थापन कर रहे हैं, परंतु आज उन अभी क्लियर नहीं समझाते हैं। त्रिमूर्ति तो है ही, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना हो रही है। कौन सा एक धर्म? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जितना आगे चलेंगे उतना दुनिया का वायुमंडल शो करता रहेगा। बरोबर विनाश का समय देखने में आता है। ये बाम साथ ही सब काम में आने हैं। कोई मुफ्त पैसा थोड़े ही खर्च करते हैं। बच्चों को साक्षात्कार हुआ है कैसे एरोप्लेन में जाकर के सोना ले आते हैं खानियों से। वहां तो खानियां ही भरपूर हो जाती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। बिगर मेहनत के तुमको सभी कुछ मिलता है। बाकी पुराने खड्डे आदि खोदना, खानियां खोदना, ये सब कुछ करना आदि यहां होता है। कितनी मेहनत करते हैं। तो तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए और खुशी भी उतनी रहेगी जितना बाप को याद करेंगे। खुशी बढ़ती रहेगी, अपनी खुशी बढ़ेगी तो फिर दूसरों का भी कल्याण करना है।
पुरुषार्थ करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावे और बाप को याद करें। ये सभी बातें तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है और बातें तो सब क्लियर है। तुम बच्चों को तो खातिर ही है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। क्या हम सिर्फ अम्मा की औलाद नहीं है? तुम लिखते भी हो क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी? तो जो ब्राह्मण बने हैं वो ही देवता बनेंगे। ब्राह्मण भी अनेक कुरियों के होते हैं। 9 कुरियां हैं ब्राह्मणों की, तो यादगार कहाँ की है? इसी संगम युग की यादगार है। जो पक्के देवता बनते हैं वो जरूर ब्राह्मण बने होंगे और ब्राह्मण कुल होगा भी बहुत बड़ा, परंतु जो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनेंगे उनकी राजा ही नहीं है। ये क्या बात हुई? कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में तो राजा ही होनी चाहिए या सेवाधारी बन के रहना है? सेवाधारी बनकर रहना है। यहाँ कोई पे कंट्रोल नहीं करना है। बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ये सेवा करेंगे, कोई के ऊपर कंट्रोल डायरेक्शन नहीं देना है। तो पहले पहले ब्राह्मण कुल बनाना है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। ये तुम्हारे लिए अथाह सुख की बातें हैं और ये बातें बैठ सुनाने से दुख की बातें भूल जाएंगे। मनुष्य तो दुनिया में कितने दुखी रहते हैं, प्रॉपर्टी आदि के झगड़े कितने होते रहते हैं और कितनी आजीविका होती है बैरिस्टरों की, जजों की। उनकी फालतू ही कमाई होती रहती है। तो अभी तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया में तो इस समय अपार दुख हैं, फिर वहां होंगे अपार सुख, क्योंकि दुखों की भी अति होगी तो उनका भी अंत होगा। रावण राज्य की पिछाड़ी में अंत है ना, बहुत कोशिश करते रहते हैं। जितना नजदीक आते जाते हैं, तुम बच्चे समझते हो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाकी अभी थोड़ा समय बचा है, फिर हम जाकर छोटा शरीर लेंगे। ऐसी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। जिनको पक्का निश्चय है, परंतु हो सकता है कोई कोई को निश्चय न भी हो। आते तो हैं शिव बाबा के पास, आते हैं फिर जाते हैं, तो निश्चय तो होना चाहिए। जरूर शिव बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं और निश्चय बुद्धि बिगड़ आवेंगे भी क्यों? परंतु निश्चय बुद्धि से भी संशय बुद्धि हो जाती है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। या तो ग्रहचारी बैठ जाती है
या तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इस समय सारी दुनिया पर और खास भारत पर राहु की दशा है, जो कंगाल बन पड़े हैं। अपन को आत्म समझ बाप को याद करते रहेंगे तो सत्व प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये बात भी माया भुलाई देती है। तो ये खेल है हार खाना और जीत पाना, और ये चलता रहता है। ये घड़ी घड़ी का घड़ियाल है क्या, हार खाना और जीत पाना। यहां की शूटिंग फिर 63 जन्मों में हार जीत के रूप में उभरती रहती है। दो 7-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो बच्चों को तैयार रहना है, जाना है नई दुनिया में, तो सभी कुछ पहले से ही ट्रांसफर कर देना चाहिए। विजय तो तुम्हारी ही होनी है, बाकी तो सभी खत्म हो जाएंगे। कौन सभी है? जैसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की पावर इकट्ठी करने से और इकट्ठा पुरुषार्थ करने से फल जल्दी निकलता है। ऐसे ही जो तन से मन से धन से सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं तो उनकी जरूर विजय होगी, बाकी तो सब खलास हो जाएंगे। और जितना तुम नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। किसके नजदीक होते जाएंगे? बाप दादा ने जरूर अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण किया होगा, ट्रांसफर किया होगा। तो बच्चे भी जो नंबर वार करेंगे तो जरूर बाप दादा के नजदीक पहुंच जाएंगे, फिर उतना खुशी का पारा भी रहेगा। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको नंबर वार याद प्यार देता हूं, अच्छे पुरुषार्थी को अच्छा याद प्यार देता हूं, कम पुरुषार्थी को कम याद प्यार देता हूं। उनमें भी कोई तो कच्चे हैं कोई पक्के हैं, और ये कच्चे पक्के ब्राह्मण भी इस समय होते हैं, क्योंकि अनेक बच्चे हैं जो डाइवोर्स या फारकती देते हैं। माया ऐसी बलवान है जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसी कड़ी भूल कभी नहीं करना, बेहद के बाप से भी जुदाई कर देती है। ये लड़ाई का मैदान है, जब बाप आते हैं या बाप का परिचय तुमको मिलता है तो तुम्हारी माया से लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी? अंत तक चलनी है। आखिरी विजय तो पानी जरूर है, तो अभी से खुशी मनानी चाहिए।
जैसे दीपमाला होती है तो खुशी होती है ना, सफाई कराते हैं फिर बत्तियां आदि जगाते हैं, तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग आता है, तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक जग जावेंगे, परंतु ढेर के ढेर स्वर्ग में जावेंगे क्या? पहले तो सफाई होगी, कच्चे कच्चे ब्राह्मण होगी, हमको कितना खुश होना चाहिए, हमारी आत्मा भी पवित्र बनेगी, शरीर भी पवित्र मिलता है। यहां जब तुम बैठते हो तो तुम्हारे दिल से बात लगती है, बाहर की दुनिया में जाते हो तो दिल से बात उतर जाती है, परंतु बच्चों को बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए और दिल में रहना चाहिए। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी ही है, परंतु हम तो स्वर्ग में जाएंगे। शास्त्रों में तो भल क्या भी है, तुम जानते हो शास्त्रों में अक्षर कोई भी करेक्ट नहीं है, परंतु तुमको तो बुद्धि मिली हुई है। मुसलमान लोग कहते हैं बुद्धि हजार नियामत, हर एक को जन्म से कौन सी हजार नियामत मिलती है, धन संपत्ति लेकर आता है क्या? नहीं, ये बुद्धि की ही हजार नियामत मिलती है, तो शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए या बुद्धि जिसे ठीक बात मानती है वो बात माननी चाहिए? शास्त्रों में तो भल क्या भी लिखा हुआ, परंतु अभी अपनी अपनी बुद्धि से समझो क्या राइट है क्या रंग है, क्योंकि टाइम अभी बाकी थोड़ा है, लंबा टाइम नहीं है। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप को तो निश्चय है और बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बनाते रहते हैं, बच्चे भी समझते हैं हम आत्मा हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी समझाना है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, उसको याद करना है। ये याद की यात्रा अभी ही मिलती है, आया हुआ है का क्या मतलब है? आत्मा बिंदी है, बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी है, वो आया हुआ है, साकार तन में आया हुआ है। अगर बिंदी आई हुई है, वो बिंदी तो देखने में आती नहीं, आई और गई कैसे पता चलेगा? तो बच्चों को निश्चय है, अभी जो याद की यात्रा मिलती है उस याद की यात्रा के अंत में हम वापस जावेंगे, अभी भी जावेंगे और 5000 वर्ष बाद फिर भी जावेंगे। हम जानते हैं कि एक बार हम बाप के घर में जावेंगे तो फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे। भक्ति मार्ग वालों ने फिर क्या कह दिया? ज्योति ज्योति में समा गए। हाँ,
कि सदा काली की मुक्ति हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्माएं जाती तो है मृत्यु मृत्यु लोक से पारलोक में, परंतु सदा काल के लिए नहीं जाती, वापस मृत्यु लोक में भी नहीं आती, लेकिन अमर लोक में जरूर आती है। तो यात्रा पर हम जाते हैं, हम पहुंच ही गए। अभी देखो तुम्हारी यात्रा कैसी है, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की तुम्हारी यात्रा है, वो भी उनकी स्थूल यात्रा है, स्थूल पांव से जाते हैं, और तुम्हारी तुम्हारी सूक्ष्म यात्रा है बुद्धियोग की, तुम बुद्ध रूपी पांव से जाते हो। तो बुद्धि रूपी आत्मा को पवित्र करने के लिए अभी तुम बाप को याद करते हो बुद्धि से, जितना जितना याद करते जाते हो उतना उतना शरीर से मोह निकलता जाता है। कैसे कि हम जिस बाप को याद करते हैं वो कोई शरीरधारी तो है ही नहीं, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। हम शरीरधारी हैं, हमारी बुद्धि शरीर में धरी हुई है, परंतु हम आत्माओं का जो बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी शरीर में बुद्धि धरी हुई नहीं रहती। तो हम याद करते हैं तो जरूर शरीर से मोह निकल जाता है, तो बाप हमको देही अभिमानी बनाते। यहां पर हम अपना शरीर छोड़ देंगे, बाकी आत्मा जाएगी। वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा का पार्ट, परंतु फिर भी कब घिसता नहीं है, वो रिकॉर्ड होते हैं है? टैप हो, या पहले पुराने जमाने में तवा चलता था, वो घिस जाते थे, बड़े बड़े भी होते थे तो भी घिस जाते थे। और हमारी आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और बार बार वो पार्ट चलता है फिर भी, और रिकॉर्ड कभी घिसता ही नहीं, पार्ट चलता ही रहता है। दुनिया में तो किसी को इन बातों का मालूम ही नहीं है कि हम आत्मा में ये 84 का रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है। न तो आत्मा देखने में आती है और न वो रिकॉर्ड क्या क्या भरा हुआ है वो देखने में आता है, फिर भी हम एक्ट तो करते रहते हैं ना। अच्छा, अगला रात की क्लास है 3 जुलाई 68 का। आत्माएं और परमात्मा, अभी हमको दोनों की याद मिली है। हम आत्मा हैं और हम भाई भाई भी आत्मा हैं, और हमारा बाप परम पिता है जो इस दुनिया में मुकर्र रथ में आता है तो परम पार्ट बजाता है। परम पार्टधारी को परमात्मा कहा जाता है, दो शब्द हैं परम और आत्मा, किसके बीच में परम, आत्माओं के बीच में परम, माने जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, परम माने बड़े थे बड़ा, परे थे परे पार्ट बजाने वाला, उसको परमात्मा कहा जाता है। फिर परम पिता, जितने भी पिताएं हैं, मान लो धर्म पिताएं हैं
उन धर्म पिताओं का भी पिता। तो हम अपने परम पिता से जितना समय अलग रहे हैं, अभी हम फिर मिलते हैं तो फिर दिल होती है, बाप को दिल होती है बच्चों को देखें, और बच्चों को जब पहचान मिलती है तो बच्चों की दिल होती है हम बाप को देखें, कितनी कशिश हो जाती है। जब तक परिचय नहीं मिला तो कशिश नहीं होती उतनी, समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। जब पक्का निश्चय हो जाता है कि सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो कितनी कशिश हो जाती है। बार बार देखें, क्या एक बार से पेट नहीं भरता, बार बार देखें, बार बार बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को देखें, बच्चों को याद करें, बच्चे भी समझेंगे, बाबा को बार बार देखेंगे, ये बाबा तो बड़ा अच्छा है बस, और दुनिया में कहीं दिल ही नहीं लगती। अभी तुम जानते हो ये तो फिर एक ही बाबुल है और बेहद का बाबुल है, फिर बेहद की सदगति भी करने वाला है क्या? हद की सदगति नहीं करता। वो जो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, वो लौकिक रीति से पढ़ाई पढ़ा करके हद के लिए एक जन्म के लिए बुद्धि को विशाल बनाए देते हैं, और ये तो जन्म जन्मांतर के लिए बुद्धि विशाल बनाए देते हैं, जो हम जन्म जन्मांतर राजपद पाते रहते हैं। बुद्धि में कितनी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो पहले पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि की सदगति करते हैं। बुद्धि की सदगति की पहचान क्या है? मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। बुद्धि की जब तक सदगति नहीं हुई है तब तक दुनियावी बातों में, पंच तत्वों में बुद्धि चलती है, देह देह के संबंधों, देह के पदार्थों में बुद्धि चलती है। अभी तो हमारी बुद्धि बेहद में है, ये सदगति की निशानी है। सदगति होती है तो आत्मा को पता चलता है कि हमने कैसे कैसे जन्म लिए हैं, कहां कहां कैसे कैसे पार्ट बजाया है, किस देश में पार्ट बजाया है, किन ग्रुप्स विशेष के बीच में रहकर के हमने पार्ट बजाया है। तो ये हमारा बाबुल बेहद का राज्य देने वाला भी है, और सभी को सुखी करते हैं बाबुल। तो बच्चों को इस बात का निश्चय होने चाहिए, और ये बाबुल खुद निष्कामी है, क्या सुख की भी कामना नहीं करते हैं कि हमें देह के सुख मिले, एक जन्म मिले या जन्म जन्मांतर मिले, ऐसी कोई कामना इस बाबुल की नहीं है। भक्ति मार्ग में उनको कहते भी हैं, क्या कहते हैं? अभोक्ता, अकर्ता। परंतु अकर्ता है क्या? ज्ञान सुनाना ये कर्म नहीं है क्या? है? मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ये भी तो कर्म है, तो अकर्ता तो नहीं है, बाकी अभोक्ता तो है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है। बच्चे इतनी ग्लानी करते हैं, बाप के बच्चे ही सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं,
तो भी उसको कोई दुख नहीं होता। नहीं तो आत्माओं को दुनिया ग्लानी करती रहे तो उतना दुख नहीं होता। अगर घर के बच्चे, घर के भाती, नाते रिश्तेदार ग्लानी करें, गांव वाले ग्लानी करें, तो कितने दुखी हो जाते हैं। तो निष्कामी भी है, अभोक्ता भी है। बाबुल खुद कहते हैं, ये तो पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, परंतु आत्माओं आत्माओं के बीच में जो जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब हैं, वो सब चुकतु होने हैं। हिसाब किताब चुकतु हुए बगैर कोई वापस जा नहीं सकता। हाँ, संकल्प या विकल्प तो आवेंगे। इस लास्ट जन्म में ये संकल्प विकल्प इतने जास्ती ध्यान में आने के बाद क्यों आते हैं? क्योंकि 63 जन्मों की रील घूमने लग पड़ती है। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी खुशी में वो सब विकल्प उड़ते जावेंगे। आवेंगे लेकिन नमस्कार करके चले जावे। तुम्हारी भविष्य खुशी से भी अभी की खुशी जास्ती है। अभी तुम्हारा शान मान बहुत ऊंचा है, अभी तुम बाप से हिल मिल करके रहते रहो, बादशाही तो तुमको करके सतयुग में मिलेगी, परंतु अभी बाप से पढ़ते रहो, बाप के साथ रहने का अनुभव करेंगे तो ये पुरुषोत्तम संगम युग सतयुग से भी अच्छा है। क्योंकि सतयुग कल्याणकारी युग नहीं है, संगम युग कल्याणकारी युग है। सत्यु को कोई कल्याणकारी थोड़े ही कहेंगे। अभी बाप तुम्हारा कल्याण करते हैं। ये संगम युग का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माने संगम तो सत्युग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है, लेकिन ये जो संगम युग है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ये सभी युगों के मुकाबले बहुत अच्छा है। उन संगम युगों में तो नीचे गिरते रहे और इस संगम में ऊपर चढ़ते हो। जो बाप को याद करते होंगे वो चित चैट तो जरूर सुनते होंगे ज्ञान की, कहेंगे कि हम भी इन्हें ज्ञान की चिटचैट करने वालों के साथ ही रहें। हम कभी बाबा से अलग न हो गए। आधा कल्प तो हम देवताओं के साथ रहे और आधा कल्प असुरों के संग रहे हैं, परंतु अभी तो ये इसका संग है, सत्य का संग। उसे दुनिया में तो सात झूठे हैं। जो देवताएं थे वो भी कलयुग में आके क्या बन गए है? वो भी संग के रंग में आकर के झूठे बन गए। सत्य तो कोई भी नहीं है, इसलिए वो गुरु लोग अपन को गुरु कहते हैं। सदगुरु के लिए तो कहते हैं एक सदगुरु निराकार, एक गुरु सत्य और बाकी सब झूठे। तो ये तुमको अलौकिक संग मिला है और वो संग तो कामन है। कहते हैं सत्संग, परंतु वो कोई सत्संग थोड़े ही है। तो
टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं। हर एक धर्म पहले सतो प्रधान होता है या बाद में? पहले सतो प्रधान होता है, फिर बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि नहीं? तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो सत्य कहां रहा? ये पुरुषोत्तम संगम युग सबसे ऊंचा है और इस ऊंचेपन की अनुभूति कब होगी? जब लगातार याद में रहे, अपने ऐसे सदैव मीठी मीठी बातें करते रहे और बाप की महिमा गाते रहे। कितनी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि निकलते रहते, वहां जाकर बाप का गायन करना है, बताना है कि बाप भारत को ही आकर के हेवन बनाते हैं। विदेशी लोग सुनेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, हैं? अरे प्रदर्शनी हो या म्यूजियम हो और वहां किसी को समझाएंगे और कोई विदेशी खड़ा हुआ होगा और हम ये बताएंगे भारत में बाप आते हैं और भारत को ही हेवन बनाते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? फिर कैसे समझाएं? है? क्या कारण बता रहे हैं कि बाप भारत में ही क्यों आते हैं? है? बर्थ प्लेस के कारण। अरे भारत में ही बर्थ प्लेस क्यों है? ज्ञान तो भगवान ही देने वाला है, तो भगवान ज्ञान का प्रकाश भारत में ही आके क्यों करता है? हाँ, क्योंकि भारत सबसे जास्ती पतित भले बनता है, फिर भी भारतवासियों में प्योरिटी के लिए क्या है? मान है। भारत में जितना कन्या माताओं की पवित्रता के लिए ध्यान रखते हैं उतना और कोई देश में अब विचारी पने के लिए ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए बाप जो खुद एवर प्योर है उसको क्या अच्छा लगता है? है? पवित्रता ही अच्छी लगती है। परंतु ऐसे भी नहीं है कि कोई पवित्र सन्यासियों में आवेगा, नहीं। भारत जब बहुत पतित हो जाता है तब पतित भारत में आते हैं और पतित तन में आते हैं और उनको पावन बनाते हैं। पावन को पावन बनाना कोई भगवान की बढ़ाई नहीं होगी, लेकिन पतित को पावन बनाने में भगवान की बढ़ाई है। तो शिव बाबा इस समय भारत को पैराडाइज बनाए रहे हैं, तो जरूर मददगार कहां से निकलेंगे जास्ती? क्यों? विदेश से जास्ती मददगार नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां तो जो पलने वाले हैं जन्म जन्मांतर से, उनमें टेंडेंसी भरी हुई है, संस्कार भरे हुए हैं विविचार के। तो ज्ञान लेने के बाद अगर कोई विविचारी बनते हैं, बनाते हैं, संघ का रंग ऐसा लगाते हैं, तो स्वर्ग बनावेंगे, स्वर्ग की शूटिंग करेंगे या नरक की शूटिंग करेंगे? नरक की शूटिंग करेंगे। तो बाप के मददगार हुए या विरोधी हुए? विरोधी हो गए। तो जरूर भारतवासी सबसे जास्ती मददगार भी बनते, बाकी अकेला बाप क्या करेगा? बाप है तो एवर प्योर, लेकिन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मुकर रथ में भी आते हैं तो भी अकेला कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता वाली बात तो तब साबित हो जब स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें।
वो सन्यासी क्या करते हैं? पवित्रता को मेंटेन करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। वो तो उनकी कच्ची पवित्रता हो गई। बाप तो पक्की पवित्रता का फाउंडेशन डालते हैं, देवी देवता बनाने आए हैं ना। तो ये भारत माताएं शिव शक्तियां भी हैं क्या? और दूसरे देशों में जो कन्याएं माताएं ज्ञान की नदियों के रूप में मानी जाती हैं, उन दूसरे देशों में नदियों में कोई स्नान नहीं करते हैं। भारत की नदियों में स्नान करते हैं। कहां की यादगार है? इसी समय की यादगार है। जब बाप आते हैं तो शिव की शक्तियां पवित्र बनकर के एक बाप की बनकर निकलती है, तो वंदे मातरम का नारा हो जाता है। ये वंदे मातरम जो विश्व को पवित्र बनाती है, तुम अर्थ नहीं समझते हो। काहे का वंदे मातरम जो प्रदर्शनी में म्यूजियम में आने वाले हैं उनको बताओ, वंदे मातरम कोई जड़ जमीन को नहीं कहा जाता है। जरूर भारत की कोई कन्याएं माताएं ही हुई हैं जो अब भी विचारी बन करके रही हैं शिव बाप के साथ। तो समझाना चाहिए वंदे मातरम कौन हैं। वो फिर धरती को कह देते हैं, तुम समझाते हो कि धरती कोई वो जड़ नहीं है। धरती नाम क्यों पड़ा? धारण करती है। तो धारणा शक्ति को माता कहा जाता है। माताओं की महिमा तुम जानते हो। बाप ने आकर तुमको माताओं की महिमा बताई है। क्या महिमा बताई? माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। तो कोई जड़ जमीन की जय जयकार नहीं करते हैं। जय विजय और हार जड़ जमीन की होती है या चैतन्य की होती है? चैतन्य की होती है। तो महिमा लायक बनना भी है किसको? किसकी तरफ इशारा किया? कन्याओं माताओं को इस प्रकार की महिमा के लायक बनना है। किस प्रकार की महिमा? कि वंदे मातरम कहा जाए। कब कहा जाएगा? जब ऐसी अब भी विचारणी कन्याएं माताएं बने जो संसार की दृष्टि कन्याओं माताओं के प्रति माता की रहे, कोई दूसरे प्रकार की दृष्टि जा ही न सके। तब कहेंगे कि विश्व पिता प्रत्यक्ष हुआ। विश्व पिता एक है और बाकी सब कन्याएं माताएं सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं। ऐसे क्यों बोला? तुम सब माताएं हो क्या? सीताएं हो, द्रौपदियां हो, क्यों कहा? तुम सब पार्वतियां हो, क्यों कहा? क्योंकि तुम सब ये टाइटल धारण करने वाली हो प्रैक्टिकल में। ऐसी महिमा लायक बनना है। ये नहीं कहा कि तुम सब राधाएं हो क्या? क्यों है? राम माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम को जिसने सारे जीवन के लिए जन्म जन्मांतर के लिए धारण कर लिया, वो राधा है एक, और बाकी सब है नंबर वार या तो रानिया या पटरानिया। सतयुग में ये बातें नहीं होती हैं, न कोई समझावेगा न समझेगा। 3 जुलाई 68 की वाणी का तीसरा पेज।
इसलिए महिमा लायक बनो तो पूजा के लायक भी बनोगे। महिमा नहीं होगी तो पूजा भी नहीं होगी। महिमा और पूजा ये अलग अलग बातें हैं। कैसे है? रुद्रमाला वो भी तो आत्माओं की माला है ना, और विजय माला वो भी आत्माओं की माला है। रुद्रमाला पहले तैयार होती है और विजय माला बाद में तैयार होती है, लेकिन पूजनीय कौन है? विजय माला पूजनीय है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी के ऊपर, अपवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त की है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चपेटे में नहीं आई है, विजय प्राप्त कर ली है, तो विजय माला है। तो पूजा होती है, किसकी पूजा होती है? पवित्रता की पूजा होती है। और रुद्रमाला पूजी नहीं जाती है, रुद्रमाला पूजी नहीं जाती है। क्या होता है? सिर्फ गायन और महिमा होती है। अरे बड़ा काम किया इन्होंने, जितना काम किया उतना और किसी ने नहीं किया। इन्होंने जितना ज्ञान धारण किया, भगवान की प्रॉपर्टी को लिया, उतना और किसी ने नहीं लिया। तो गायन और महिमा तो बहुत है, लेकिन लेकिन पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, दुर्योधन तो शासन स्वभाव संस्कार के हैं। इसलिए जो भारत माताओं को प्राप्ति होती है पूजा की, वो प्राप्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते है? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो पूजा योग्य कार्य पवित्रता को धारण करने का रुद्रमाला के मणकों ने नहीं कर पाया। किसने किया? विजयमाला करती है। तो जो करती है उनको कहा गया माता है, कन्या। कन्या माताओं में प्योरिटी जास्ती होती है। अगर वो अपनी पर आ जाए तो फिर उनको कोई भी अपवित्र नहीं बना सकता। तो ये महिमा प्राप्त करने का या पूजनीय बनने का भविष्य पद है तुम्हारा। इस समय तुम सारे विश्व का कल्याण करते हो। बंदे पितरम नहीं गाते हैं क्या? क्या गाते हैं? बंदे मातरम। 5000 वर्ष की बात वो या कल की बात हो गई। एक तरफ हो तुम बच्चे, और तुम बच्चे कितने थोड़े हो, और दूसरी तरफ है रावण संप्रदाय। कितने की संख्या जास्ती है? रावण संप्रदाय की संख्या बहुत जास्ती है। तुम मुट्ठी भर हो। जब मुट्ठी बांधते हैं तो कितनी उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं? 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो 5 पांडव गए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि 5 पांडव ही थे, वो तो कैटेगरी बताई गई है। कोई युधिष्ठिर के मिसल आत्माएं हैं, कोई भीम के मिसल हैं, कोई अर्जुन के मिसल हैं, कोई सहदेव के मिसल हैं, कोई नकुल के मिसल हैं, हैं ये सब भारतवासी। क्या? और भारतवासियों में भी पांडव हैं पंडा के बच्चे, क्या कौरवों के बच्चे नहीं हैं। तो एक तरफ हो तो मुठ भर, बाकी सारा संसार दूसरी तरफ।
तुम्हारे पीछे पीछे भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। माने तुमको जो फॉलो करेंगे तो वृद्धि को पावेंगे। तो तुम इस बात को समझते हो कि हम न सिर्फ भारत का कल्याण करते हैं बल्कि सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। फिर उस कल्याणकारी विश्व में तुम राज्य करते हो। अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। जो जो बच्चे जास्ती सर्विस करते होंगे और याद की यात्रा में रहते होंगे तो जरूर ऊंच पद पावेंगे। और इन बातों की समझानी भी संगम युग पर होती है। बाप पूछते हैं, बताओ तुमको कितना खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। अगर खुशी का पारा चढ़ा हुआ है तो कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। क्या जितना खुशी का पारा चढ़ा हुआ है उतना तुम्हारे लिए संगम युग कल्याणकारी है। बाप भी कल्याणकारी, तुम्हारी आत्मा भी कल्याणकारी। बाकी थोड़ा समय है। ये बात जितना समय हो उतना याद रहना चाहिए। सत्युग में ऐसा कोई नहीं होता है जो बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। सत्युग में तो क्या, चारों युगों में नहीं होता है। संगम पर ही है कि वो एक ही पर्सनालिटी है जो हमारा बाप भी है, एक एक शब्द को क्लियर करने वाला, हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाला टीचर भी है। टीचर क्या करता है, जो पोएट्री और प्रोज, गद्य और पद्य होती है उसकी एक एक लाइन को क्लियर करके समझाता है। तो वो हमारा शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। पहले पहले हमारी बुद्धि की सदगति करते हैं। क्या बुद्धि की सदगति होती है तो मनन चिंतन मंथन करने वाला मन सक्रिय हो जाता है। ग्यारह इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय कौन सी है, मन। मन लगा हुआ होगा तो दूसरी इंद्रियों को फल मिलेगा। अगर इंद्रियां कर्म करती रहें और मन उनका सहयोग न दे इंद्रियों का तो फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मन मुख्य है। मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो समझो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। ये मन को कंट्रोल करने वाली बात मुख्य आ जाती है। तो संगम युग पर तुमको बाप ही मिला है, जो ऐसा बाप है कि शिक्षक का भी पार्ट बजाता है और सदगुरु का भी पार्ट बजाता है। पहले पहले कौन, पहले पहले है जन्म देने वाला, बीज बोने वाला बाप, फिर है शिक्षक, लास्ट में है सदगुरु। पत्थर बुद्धि मनुष्य ऐसे हैं जो मुश्किल ही उनकी बुद्धि में बैठता है। कितना भी समझाओ तो भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। कहेंगे ब्रह्मा ही हमारा बाप है, वो ही टीचर है, वो ही सदगुरु है। भले ब्रह्मा की दुर्गति हो गई, अरे खुद की ही दुर्गति हो जाए, खुद ही की मंदिरों में पूजा ना हो, मूर्तियां ना बने, मंदिर ना बने, तो दुर्गति हुई है तभी तो नहीं बनते। अगर सदगति हुई होती तो बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। तुम रूहानी सुदर्शन चक्रधारी हो, वो होते हैं सोशल वर्कर्स, वो तो अभी निकले। ये रूहानी सोशल वर्कर्स तुम ही हो।
क्रिश्चियंस के समय वो सोशल वर्कर्स भी नहीं थे, अभी निकले हैं, और तुम स्पिरिचुअल सोशल वर्कर्स भी अभी निकले हो, वो जिस्मानी सर्विस करते हैं और तुम रूहानी सर्विस करते हो। तुम स्पिरिचुअल हो, तुम सोसाइटी के रूहानी सेवा करते हो, वो जिस्मानी सर्विस करते हैं। आजकल तो सोशल वर्कर्स बहुत हो गए हैं, मेल भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, और वो लाखों की तादाद में है। भारत कोई कम नहीं है, भारत में भी बहुत होंगे, परंतु इसमें तो मेहनत है, मेहनत है यहां सारी पवित्रता की। उन सोशल वर्कर्स में पवित्रता की कोई मेहनत नहीं है। मूल बात ये है, और इसी बात में झगड़ा होता है। किस बात में? पवित्रता की बात। इसी बात में बांधेलियां मार खाती हैं, तो ये भी सहन करना होता है। क्यों बांधेलियों को ही क्यों सहन करना पड़े? पूर्व जन्मों में बांधा हो। हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। एक जन्म में स्त्री आत्मा, एक जन्म में पुरुष बनती है। तो पिछले जन्मों में जिन्होंने पुरुष बनकर के बहुत बंधन डाले हैं, उनका यहाँ सूली से कांटा होता रहता है। पूर्व जन्म में तो जिनको बंधन डाले गए थे उनको भगवान बाप नहीं मिला था, तो उनको तो कठिन हो गया होगा, और तुमको तो अंदर ही खुशी रहती है। तो ये भी सहन करना चाहिए खुशी खुशी कि हम तो हल्के हो रहे हैं। क्या दुखी? दुखी नहीं होना चाहिए। जो जास्ती सहन करते हैं तो समझो राजाएं भी उनको मिलनी है। क्या पति ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ एक आध थप्पड़ मार दिया और सहन नहीं किया, घर से निकल के भाग गए या गालियां वालियां दे दी, तो कहेंगे सहन किया? तो सहन करना थोड़ी कहेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो सहन भी करना है। बन माताएं बहुत हो, वहां तो बराबर ही बहुत माताएं पुरुष भी बन सकती हैं। बाप ने समझाया एक दो जन्म मेल बनते हैं, जास्ती से जास्ती दो जन्म मेल अथवा फीमेल बनते हैं। सदा मेल कोई नहीं हो सकता। अभी तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्यासी लोग इतना माथा मारते रहते हैं मुक्ति के लिए, तुम समझते हो वो तो हमारा स्वीट होम है, वह लोग उसको होम नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको तो घर जाना है, इसलिए हमको खुशी होती है। पुराना संबंध, पुरानी दुनिया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्माएं भी नई सत्व प्रदान बन जाएंगी, शरीर भी हमको नया मिलेगा, तो कपड़े ऐसे मिलेंगे ना, सदैव हेल्दी काया कल्प वृक्ष समान हो जाएगी। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, नई दुनिया के मालिक हम 5-4 वर्ष बाद बनते हैं। तुम गिनती भी कर सकते हो, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटा, इतने सेकंड, कोई हिसाब निकाले तो एक्यूरेट भी निकल सकता है। 5000 वर्ष तो पूरे हैं, एक का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसका हिसाब निकालना तो सहज है। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कृष्णपुरी अभी स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये कंसपुरी से बदल करके कृष्णपुरी होती है। कंस असुरों को कहा जाता है। तो सबसे जास्ती खुशी तो तुम बच्चों बच्चियों को होना चाहिए, बच्चियों को, बूढ़ियों को और अबलाओं को सबसे जास्ती खुशी होनी चाहिए। अरे क्यों? बच्चियों को, बूढ़ियों को और अबलाओं को सबसे जास्ती क्यों?
है, डायरेक्ट बाप मिले, क्योंकि बाप उन्हीं के लिए खास आते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या, जब धरणी माता पर बहुत पाप का बोझ बढ़ जाता है तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते।